जाती हूँ। मेरी छाती पर सभी धर्म के लोग रहते हैं और सभी इस बात का दम भरते हैं कि मैं ही तो वफादार हूँ अपनी माँ का। मुझे तो खुश होना चाहिए कि मैं इस विशाल समाज, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी ने मुझे माँ का दर्जा दिया हुआ है। लेकिन नहीं, मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि जहाँ कुछ सुपुत्रों ने मुझे अपना खून देकर मेरी लाश बचाई है, वहीं कुछ कुपुत्रों ने मुझे नीचा दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। किसी ने मुझे जाति के आधार पर बांटा, तो किसी ने मुझे भाषा के आधार पर बांटा। मैं अब क्या मुझसे कश्मीर भी अलग करोगे? मैं क्या करूं? किसको अपनी छाती से लगाऊं और किसको अपनी छाती से अलग करूं? मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। क्या बात है भैया, बड़ा खुश नजर आ रहे हो, अरे ऐसी बात है, कुछ पूछो नहीं आजम से। कुछ बताए तो भैया। अरे भैया क्यों नहीं बताएंगे, मगर आओ वहाँ पेड़ के नीचे छांव में बैठे आराम से बातें करेंगे। हाँ हुआ भैया। साहब आपका लो भैया। हाँ भैया, अब बताओ। बात ही कुछ ऐसी है। कैसी भैया? अरे लड़के की पढ़ाई लिखाई सब पूरी हो गई थी, अब तो फौज में नौकरी भी लग जाएगी। अब हमका कोई नो चिंता नहीं है, हमारी जीवन भर की मेहनत सफल हो गई है। अच्छा, अरे वाह, ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है भैया। तो धरती मैया की सेवा करेगा। अरे वाह, ये तो भैया धरती मैया की है बात, ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है भैया। या नीचे धरती मैया और ऊपर राम जी की बड़ी कृपा है, अब तो लाला का कर्जा भी खत्म हो जाएगा और फसल भी अपनी हो जाएगी। चलो ये ठीक हुआ, कम से कम एक यहाँ तो लाला के कर्जे से मुक्ति मिल गई। हाँ, लेकिन ये बात लाला को ना पता चले। बिल्कुल भैया ना, तुम लोग बताओ ना, मेरे मुंह से निकल जरूर गवाह है। हाँ चलो भैया, अब थोड़ा थक गए हैं, बिहान शाम हो गए, चलते हैं। हाँ चलो, अब जैसी मर्जी तुम लोगों की, चलो भाई। चलो देखो सर, मोबाइल चला रहे हैं। बेटा, तो बेटा, इस समाज में हमारी नाक कटवाए रहे हो? क्यों, क्या हुआ बापू, हमने कौन सी नाक कटवाई तुम्हारी? अच्छा, हम तुम्हारे ऊपर इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, तुम जो जो कह रहे हो हम तुम्हें दिला रहे हैं, सब कुछ हम व्यवस्था भी करवाए रहे हैं, उसके बाद तुम्हारा मन नहीं लगता है पढ़ाई करे ना? और गांव के सारे लड़का पढ़ाई में ऐसा जोर कसे हैं जैसे ससुरा सब कलेक्टर बन गए। अरे बापू, ज्यादा पढ़ के हम क्या करीबा, आगे करे दो दुनिया आती है। अरे भाग्यवान, तू हमको छोड़ के कहाँ चली गई बिना बताए? इस ससुरा पूरा किसका लड़का है? अरे भाग्यवान, दो दुनिया करे का पढ़ना कहा था? ससुर यो बता, अगर दुनियाद का पढ़ा खाते तो तू अच्छी बत्तीस किसके साथ करेगा? अरे बापू, तुम चिंता ना करो, हमारी जिनी कट जाए तुम्हारे बही खाते से। भगवान, हमारे कुल का सत्यानाश हुई गवा। अरे घर जाते बे। अरे भैया। हाँ दोस्त, सुना है तुम तो फौज मनोकर हो गए। भाई नौकर तो नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि मैं शुरुआत से इच्छा थी कि मैं देश के लिए कुछ करूं, और मैं फौज में भर्ती हो गया और आज वो मेरी तमन्ना पूरी हो गई है, पता है? वाह क्या बात, भाई तो अपने पुलिस में है, यहाँ के लोगन की सेवा करी है। क्यों भाई, क्या करा तो?
हाँ भाई, सरहद पार देश की सेवा ये करेगा और यहाँ हम मुजरिमों की। वाह, क्या बात कहे भाई दोनों लोग। तुम दोनों के मन में देश प्रेम है भाई। इसे एक बात बताएं, हमारे मन में भी कोई देश प्रेम कम नहीं है भाई। हाँ तो तुम भी तो ठीक ठाक दिखते हो, तुम भी कहीं क्यों नहीं अर्जी डालते? ना दोस्त, ना हमें नौकरी नहीं करनी, तुम दोनों देश की सेवा करा और हम तो भैया देश की सेवा करे वालों के करत है बस। वो कैसे? नहीं समझ बाबा। अरे भाई, जो सरहद पर हाथ है उनका रसद की भी तो जरूरत पड़त है। बिना खाए पिए हमारे फौजी भाई लड़ेंगे कैसे बतावा भाई? आखिर जब तुम सरहद पर देश की सेवा करोगे तो यहाँ से अनाज उगा के कौन भेजेगा? आखिर वो तो हम ही उगाएंगे। हाँ भाई, बात तो सही कह रहे हो। और सब जब गांव छोड़ कर चले जाएंगे तो अनाज कौन उगाएगा? लेकिन भाई ने कही बहुत दूर के भाई। अच्छा सुनो, हम जा रहे हैं, हमें अपनी तैयारी करते हैं, चलते हैं। चलो हम भी चले यार, तुम लोग चलो मदद कर। चले ये सब कैसा चल रहा है आजकल? बस ठीक है यार। अरे भैया, आजकल तो अब पेपर में क्या हाल है? वो पेपर वाले बस यही सब निकालते रहते हैं इधर उधर की। अच्छा कुछ खाएगा? ओ यार हम नहीं खाते, क्या खिलाएगा? अच्छा ठीक है, बना तो ले। जब से सिपाही ही ऐसे, जब से सिपाही ही ऐसे हो ना। ये लो। तुझे पता नहीं आप लोड़ी है सब खाते? ठीक है ना, खा तो मैं ही खा लेता हूँ यार। ओ भाभी जी कैसी हैं? ओ यार भाभी के बारे में ना पूछा कर। ओ ब्यूटी पार्लर से टाइम लगे उसको तब ना, इतने यार खाती बहुत है। सही बात है, मेरी वाली वही चक्कर मारा करती है। अरे यार इन्हें औरतों के बारे में क्या बताए, हम बड़ा तंग आ गए इनसे। और बच्चे? वो बच्चों के बारे में यार, वो जो मुखिया ने उस दिन पैसा दिया था ना। हाँ हाँ, वो तुझको भी तो दिया था। हाँ थोड़ा बहुत मिल ही गया था हमें भी। वो बस वही पैसे से मैंने अपने बच्चों का अपने अच्छे स्कूल में दाखिला करा दिया। हम भी गए थे, पैसा कम पड़ गया था तो प्राथमिक स्कूल में गए थे, वो भी पढ़ ही रहे हैं। अच्छा कुछ देखो क्या करना है, पढ़ जाए तो अपने कुछ फायदे। राम राम साहेब। वो क्या बात है साहेब? हमका एक रबर लिखाएंगे साहब। ओ किसके खिलाफ रबर लिखानी है साहब? ओ हमरे गांव में जो मुखिया का बेटा है वो हमरी बकरियां काट के खाएगा वा साहब। साहब कुछ मुआवजा दिलवा दो, हम बहुत गरीब बने हैं साहब। ओ ठीक है ठीक है। ओए इधर इधर बैठ, इधर 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 इधर। अभी राजा हरिचंद की औलाद आ रहे हैं, वो आपका मुआवजा दिलवाएंगे। ठीक है बैठो इधर, और रोने की आवाज नहीं आनी चाहिए। ठीक। ओ यार ये जो थानेदार है ना, ना तो खुद रिश्वत खाता है ना हम लोगों को खाने देता है। सही बात है, फिर भी निकल तो रहा है। ओ यार क्या बताए तुमको, ओ इतनी छोटी सी नौकरी में हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाए? यही तो बात है, छोटी सी नौकरी है, बीवी को भी देखना है, पाल जाएगी ना। ओ यार बच्चों को भी देखना है। ओ यार बीवियों को खर्चे नहीं मुकते, बड़ा तंग कर रखा है नौकरों ने हम लोगों को। हम तो ड्यूटी कर करके थक गए, हमारे तो पेट निकले जा रहे हैं यार ड्यूटियां कर करके। तो ये तो मुखिया की मेहरबानी है। अरे मुखिया ना हो,
तो किसी दिन चूल्हा भी ना जले अपने घर में। और गवर्नमेंट ने हमको क्या देना है, क्या करें अब। चलो सोओगे नहीं आज? ओ यार मुझे सो जा, जा रही है, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक ठीक बात सुना, बीच में तंग मत करना मेरे को। अरे सो जा, मैं करवाली नहीं सोने देती और यहाँ पे तू ठीक ठीक डाल दे मुझे आराम से। ओके ओके Yeah.
और अल्लाह क्या हो रहा है? मैं जंग पे जा रहा था, तो सोचा आप लोग से आशीर्वाद ले लूं। अच्छा लल्ला, जा लल्ला जा, ना जंग पे जा रहा है, रुकोगे? जा लल्ला जा, तू धरती माँ की रक्षा कर। मैंने तो तुझे सिर्फ जन्म दिया है, पर धरती माँ ही तेरी असली माँ है, जिस पे तूने जन्म लिया है। और हाँ लल्ला, दुश्मनों को पीठ दिखाकर मत आना, उनको मुंह तोड़ जवाब देकर ही आना। हाँ लल्ला, ले अब अपने बापू से भी बात कर ले, उनका भी थोड़ा आशीर्वाद ले ले, दिन भर तो घूमता रहते हैं इधर उधर। हेलो बाबूजी, चरण स्पर्श। अरे बेटा खुश रहो। अरे कस सरहद पे जंग छिड़ गई है क्या? हाँ बाबूजी। अरे बेटा तुम अपना ख्याल रखना, वैसे मुझको अरे रुको, हुआ जंग छिड़ गई है। अरे हुआ कमले, हुआ छिड़ गई है बेटा। ये तो हमका मालूम है, तुम अकेले जो हो तब दस पे भारी हो। हाँ मगर बेटा अपना ख्याल रखना। हाँ यही बहनी से अपनी बात कर लो, देखो क्या बता रही है। भैया, भैया नमस्ते। हाँ छोटी कैसी है? अच्छी हूँ भैया, आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तू बता तेरी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? पढ़ाई मेरी अच्छी चल रही है, और आप अपना ध्यान रखिएगा। अच्छा मेरे लिए दिवाली में क्या लेके आ रहे हैं? अच्छा सुन, पहले माँ को फोन दे तू। अच्छा ठीक है, लो माँ। हेलो। हाँ लल्ला। माँ मैं ये कह रहा था कि मैं फोन रख रहा, क्या पता दोबारा बात हो पाए ना हो पाए। लल्ला बात क्यों नहीं करेगा, तू जंग जीत के आएगा और एक एक दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे के आएगा। लल्ला हमेशा तेरी माँ का आशीर्वाद है तेरे साथ में। और लल्ला देश की रक्षा करना और मेरे पास खुशी खुशी आना, और दिवाली पे सबके लिए कुछ न कुछ लेके आना। तेरी बहन तो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है। अच्छा माँ मैं रखता हूँ। हाँ लल्ला रख। अरे मेरी माता। अरे बैठो उधर, जब देखो तब रोते रहते हैं। Thank you.
लगी हुई हैं। लाला भैया गरम पानी डाल दे इमाम। अरे हाँ इमाम बोले बस सेल देख लो है कि नहीं कहाँ पड़ा था वही तो देख रहे थे। अरे उलट के देखा यार ऐसा यू देख लिया मैं कोई बैठा तो ना ही अंदर छुआ हुआ सारे कांटारी हो उसका तो बस आज किसे बुला के गए थे किसने बुलाया इनको ठीक है भाई हम मालूम हो भ्रष्टाचार में गवा बजाओ भैया बजाओ करा यार है भाई। लाख धर दियो। ये तो चाचा बहुत हो गया। चाचा चाची घर में जल छे रे हिम्मत चाची से जाके जाओ ना लगता है गुनी नहीं है ले ले जाके थर्रा मिट्टी तेल की बोतल दे दिलो मैं बता रहा ले ले जाके मिट्टी तेल की है समाचार के अनुसार सरहद पर हो रही जंग में फैजाबाद जिले के वीर सपूत कैप्टन उदित सक्सेना जंग में शहीद हो गए हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। उदित नहीं चाचा नहीं चाचा अरे ये खबर झूठी हो सकती है चाचा खबर झूठी चाचा संभालो अपने आप को मेरा बेटा शहीद हो गया चाचा चलो घर मेरा बेटा शहीद हो गया सीधी होके दिन भर किताबों में घुसी रहती है या तो पूरे गांव में चक्कर लगाती रहती है ना बालों में तेल लगाएगी ना चोटी बनाएगी चल चोटी बनवा हाँ दर्द हो रहा माँ हाँ पढ़ाई नहीं करूँगी तो फौज में मैं भर्ती कैसे होंगी भैया की तरह हाँ हाँ पढ़ाई कर फौज में तू भी भर्ती हो जा भाई की तरह और दोनों बच्चे फौज में हो जाएंगे तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात होगी और मेरा लल्ला भी फौज में मेरी बिटिया भी फौज में तुझे तो बस अपनी पड़ी रहती है कि वो क्या लाएगा क्या नहीं लाएगा अरे लल्ला कुछ ना कुछ तो लाएगा ही अच्छा ठीक है मेरे लिए नहीं तो आपके लिए क्या लेके आएगा भाई मेरे लिए मेरा लल्ला जंग जीत के घर वापस आ जाए इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती चाची चाची क्या हुआ Oh,
कृष्णा की है। मुझे कोई धनराशि नहीं चाहिए, मुझे कोई धनराशि नहीं चाहिए, जाकर कह दीजिए मानी जी से, मुझे एक सर के बदले दुश्मनों के 20 सर पे खर्चा कर दे। मैं भारत माता हूं।